नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जिसको हिंदी में प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इससे पहले हम आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर ये मिरर है हमारे पास, ये क्या है? एक प्लेन मिरर है। अगर यहाँ से कोई भी लाइट आती है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है उसके अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होता। जो हमारा रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता। यहाँ पे होता क्या है? देखिए, हमारे पास अगर कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ है, जैसे कि एक ग्लास होता है, एक वाटर होता है, ये कैसी चीज़ें हैं? ये एक ट्रांसपेरेंट चीज़ है। इसके अंदर से अगर लाइट जाती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर, यानी अपवर्तन के अंदर। हम मीडियम के अंदर जब चेंज होता है तो उससे लाइट के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, चेंजेस इन मीडियम, जब कभी भी मीडियम चेंज होता है, यहाँ पे मीडियम चेंज होने का मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास वाटर है, यहाँ पे क्या है? वाटर। यहाँ पर हमारे पास है वाटर और यहाँ पर एयर है, यानी यहाँ पर हवा है और नीचे क्या है? वाटर है। अगर कोई भी लाइट यहाँ पर इस प्रकार से आती है, ठीक है, ये कहाँ से आ रही है? ये एयर से आ रही है और जा कहाँ रही है? वाटर के अंदर जा रही है। तो ये है हमारा मीडियम नंबर एक और ये है हमारा मीडियम नंबर दो, यानी यहाँ से जो एयर मीडियम था, अब यहाँ पे वाटर मीडियम हो गया है, यानी जो हमारा मीडियम है वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है। जब कभी भी मीडियम हमारा चेंज होता है, जब हमारा मीडियम चेंज होगा तो उससे लाइट की जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि लाइट की स्पीड क्यों चेंज होती है? देखिए, लाइट की स्पीड चेंज होती है डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। डेंसिटी किसी मीडियम की कितनी ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी है एयर की, यानी हवा की। अगर हम कंपेयर करते हैं एयर और वाटर की, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, यानी डेंसिटी क्या होती है? इसकी ज़्यादा होती है। और एयर की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो कम होता है। क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है, इसीलिए यहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और यहाँ पर डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पर जो लाइट होती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने आपको बताया कि जैसे ही मीडियम में चेंज होगा तो स्पीड में भी क्या होगा? चेंज आपको देखने को मिलेगा। वो चेंज कैसा हो सकता है? वो चेंज या तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी या तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। लाइट की स्पीड कब बढ़ेगी? लाइट की स्पीड जब बढ़ेगी, जब आप एक ऐसे मीडियम से जा रहे हैं जहाँ की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन अब जा कहाँ पर रहें? आप जा वहाँ पर रहें जहाँ की डेंसिटी कम है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो यहाँ पे एयर लिखा हुआ है, एयर, इसकी डेंसिटी कम है, और यहाँ पे जो वाटर है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे ही लाइट यहाँ पे आएगी तेज स्पीड में, वाटर के अंदर जब एंटर करेगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और जैसे ही एक लाइट की स्पीड चेंज होगी, चाहे से वो कम हो या ज़्यादा हो, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जब मीडियम में चेंज हो, मीडियम के चेंज के द्वारा लाइट की स्पीड में चेंज हो जाए, और इसी स्पीड को चेंज होने के द्वारा डायरेक्शन चेंज हो जाए लाइट की, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया आपको? दोबारा मैं समझाता हूँ। देखिए, जब कभी भी मीडियम चेंज हो, जैसे यहाँ पे एयर था तो ये वाटर हो गया, यानी लाइट एयर से आ रही है वाटर में चलेगी, यानी मीडियम एक से लेके मीडियम दो में आ गए, यानी मीडियम क्या हो गया? चेंज हो गया। मीडियम के चेंज होने से जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। जैसे कि यहाँ पे एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो थी तेज थी, वाटर के अंदर प्रवेश करते ही, एंटर करते ही इसकी स्पीड कम हो गई, क्योंकि यहाँ के डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। जैसे ही स्पीड कम होगी तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? वो भी चेंज हो जाएगी। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए, इसके बारे में थोड़ा और आगे आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। इसको इरेज करते हैं और फिर आप, तो चलिए अब बात करते हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो किस प्रकार से
एक्ट करता है, इस प्रैक्टिकल तरीके पे समझाने की आपको कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे पास एक ग्लास है जो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है। यहाँ से एक लाइट आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं हिंदी में, इसी को हम इंसिडेंट रे भी बोल देते हैं। जैसे ही यहाँ पर टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होके नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये रिफ्लेक्ट ना होके इसके अंदर चली जाएगी, इसके अंदर एंटर हो जाएगी, जो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए आपको लाइट भी अंदर देखने को मिलेगी। चलो ठीक है, देखिए, अगर इस लाइट, यानी अगर हम ये मान लें कि ये ए है और ये बी है, तो जो ए और बी आपको यहाँ पर एक लाइट, एक क्या दिख रही, लाइन दिख रही है, इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। अगर यहाँ से ये यहाँ पर टच हो रही है, उसके बाद इसको सीधा जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन ये सीधा नहीं जाती है, ये सीधा नहीं जाती है। सीधा क्यों नहीं जाती है? क्योंकि हमने आपको बताया था चेंजेस इन मीडियम, जब मीडियम चेंज होगा, क्योंकि ऊपर क्या है, एयर है और नीचे क्या है, एक ग्लास है, मीडियम चेंज हो गया है, एयर से ग्लास के अंदर प्रवेश कर रही है, तो मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। और जैसे ही मीडियम चेंज होगा, स्पीड ऑफ लाइट होती है वो भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पर इसकी डेंसिटी कम थी, हवा की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है और एक ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्लास के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी आसपास होते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए जैसे ही ये अंदर प्रवेश करेगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे डेंसिटी कम थी इसीलिए लाइट की स्पीड ज़्यादा थी, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, यानी इस लाइट की जो स्पीड होगी वो यहाँ पर आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू एयर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? जैसे ही यहाँ पे जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज होगी, तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी ऊपर क्या हो, ऊपर की डेंसिटी कम हो और नीचे की डेंसिटी ज़्यादा हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी स्पीड क्या होगी, कम होगी, स्पीड कम हो, स्पीड क्या हो, कम हो, जब भी लाइट की स्पीड कम होगी तो वो हमेशा कहाँ पे बैंड करेगा, वो हमेशा जो नॉर्मल लाइन है ना, परपेंडिकुलर है, इसकी तरफ बैंड करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये नॉर्मल की तरफ हो गया बैंड, ये जो लाइट है नॉर्मल की तरफ झुक गई है, ठीक है। क्यों हुआ है? क्योंकि स्पीड कम हो गई है, और स्पीड कम क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। उसी प्रकार से जब ये लाइट यहाँ से यहाँ पर टकराएगी, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसकी स्पीड बहुत कम थी, और जैसे ही दोबारा से ये एयर के अंदर प्रवेश करेगी, इस हवा के अंदर प्रवेश करेगी, यहाँ की जो डेंसिटी है वो कम है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जैसे ही स्पीड बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है, स्पीड बढ़ती है तो जो लाइट होती है उसकी डायरेक्शन किधर को चेंज होगी, जो यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन है परपेंडिकुलर, जैसे कि हमने यहाँ पर खींच रखी थी, इससे अवे हो जाएगी, इससे दूर हो जाएगी, यहाँ पर इसके पास जा रही थी, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इससे दूर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही जो लाइट ऑफ स्पीड है वो कम हो जाएगा तो नॉर्मल की तरफ वो चला जाएगा, और जैसे ही स्पीड बढ़ जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको इसकी एक इमेज आपको अपने स्क्रीन पे भी देखने को मिल रही होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आज आपने सीखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो क्या होता है, और आपने कंपैरिजन भी देख लिया कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी इसको प्लीज़ शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करके कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।